हेलो जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है जी थोड़ा ढिल्लों पंजाबी चैनल पर। अज आप बना लगे हाँ जी चिबड़ा की चटनी, तो आज जी थोड़े नाल शेयर करते हैं। आप चिबड़ा की चटनी बनाने वास्ते आप लिया जी सुकिया मिर्चा लिया ने, ये लाल जो सुा लें आप लाल मिर्च ये लवेंगे जी। आप 10 मिर्चा पावे क्योंकि असं थोड़ी वध मिर्च खाने ता ज़्यादा मिर्च खावे पावे। तो यह लिया जी असी प्याज कट्टिया होया, एक प्याज है छोटा। तो यह हैगा जी अपने कोले चिबड़ सकाए हुए, ये मैं भिओ ले पानी दे विच पहले भिजे हुए सीगे तां करके इस तरह कट्ठे जे हुए पे। लूण आ जी ते अमचूर अपने कोल, ते आपां इन्हां नूं ग्रैंड करांगे जी। इहदे विच पा लैणे आ कप च मिक्सी वाले च, ते मिर्चां जिवें आपां 2-3 जणां ने चटनी खानी फिर 3-4 मिर्चां नहीं सर जांदा जी, असीं थोड़ी जी वध बना लाँगे क्योंकि फिर खाधी जांदी आ, ता करके असी वध पाउण लगे आ मिर्चा। बाकी असी मिर्च भी थोड़ी ज़्यादा खाने हाँ। आप प्याज पा लें जी बच्चे, बहुत स्वाद लग जाए सानू चिबड़ा की चटनी, असी बड़ी खुश होकर खाने जी सारे जाने। मैं पहला बनाउण लगी सी चटनी, फिर मेरे याद आ गया चलो आप वीडियो बना के शेयर कर लें। चिबड़ असी सका के इंडिया तो मंगवाने, तो पर लूण पा लें जी अद्धा क चमचा। मैं लूण दापाऊँ फिर देख के पा लाँगे लूण बाद, तो नाल ही आप अमचूर पा दें, अद्धा चमचा अमचूर का पा दें। चिबड़ पा लाँगे जी बिच आपां इहदे भिज्जे हुए करके, इस तरह ही पोले जो कि जुड़ गए। थोड़े पा के पहले थोड़े जे ग्रैंड कर लूँ क्योंकि फिर ज़्यादा कट्ठन ग्रैंड नहीं होंगे। दोबारा जो अद्ध कुट्टी जी होगी फिर दोबारा फिर पा लाँगे बिच इहदे। तो असी कुंडे नाल भी चटनी कुटते हैं जी, प्याज की चटनी तो हरिया मिर्चा की चटनी। साढ़े को कुंडा है, हम वो सा कुंडा उधर रह गया बेटी वाली, तो असी भालते सानू अपना इंडिया वाला मिट्टी का कुंडा मिल जाए, सानू वो वधिया लगता। पत्थर के कुंडे तो इतने बहुत है पर सानू वो वधिया नहीं लगता पत्थर का कुंडा। तो फिर तो कुंडे च ही कुटांगे चटनी असी। तो लो जी आपां इहनू ग्रैंड कर लैने। हाँ जी चिबड़ जिहड़े आपां रखे सी उहदे विच पाले, थोड़ा जिहा आपां पानी होर पा लैने। पानी तो बिना यह रगड़ी नहीं जाती क्योंकि फिर वह चिबड़ा के जोड़े बी होंगे तो चीकने हो जाते हैं, क्योंकि चिबड़ भी चीकने हुए होंगे सुके हुए। हाँ जी चटनी अपनी बन गई, हम आप कढ़ लें। इंडिया के हम रोता जी चिबड़ा की, ताज़े ताज़े चिबड़ बहुत सोहने मिलते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है चटनी तो कुटद ताज़ी कुंडे के। भी बहुत स्वाद लगती है, बहुत ही स्वाद होती परौंठे के नाल खाने चटनी, ये बहुत स्वाद लगती है। कढ लैने जी आप, लो जी इस तरह कुल्ला भर लिया चटनी का, तो हम असं खावे 2-3 दिन फ्रिज रख लाँगे इनू। पर असं खाते भी काफ़ी हैं जी चटनियाँ, ही नहीं है भी थोड़ी थोड़ी जी पा के खाने। इस तरह बहुत सारी चटनी सब्जी वगू खा जाने सारे जने, क्योंकि आप चिबड़ ज़्यादा पाए हैं ना भी इन्नी ज़्यादा मिर्च भी नहीं लगनी जी। तो हम मैं बनाऊंगी लो जी परौठा बनावे, फिर आप परौठे ना खावे। तो इस तरह की बन गई जी चटनी। तो नाल है जी अपने को मखनी जी, मखनी बना ली सी पहले आप। कौली दे विच पा लैने आप चटनी, तो नाल पा लै लैने मक्खन। मखनी मैं बनाई सी डिपिंग क्रीम तो, लो जी चटनी अपनी बन के होगी तैयार। तो हम आप बना लाँगे परौठा, तो दस्यो जी वीडियो किवें दी लगी, जे वधिया लगी तो कमेंट करके दस्यो, लाइक तो शेयर करो।
ते साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो प्लीज़। मिलते हैं जी अगली वीडियो के नाल। सत श्री अकाल जी।